नमस्ते और स्वागत है आप सभी का इस लेग्स पुश पुल सीरीज एपिसोड नंबर 2 में। ये एक ब्रांड न्यू 3-पार्ट सीरीज है जिसमें मैं आप सबके साथ अपना करंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा ताकि हम सब साथ में मिलके प्रोग्रेस कर सकेंगे। मुझे पता है कि साल के शुरुआत में बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन करते हैं, विच इज फैंटास्टिक। अगर आपने जिम जस्ट ज्वाइन की है या अगर आप मेरी तरह काफी सारे सालों से ट्रेन कर रहे हो तो आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हो। एक लेग्स पुश पुल स्प्लिट को कुछ इस प्रकार डिजाइन किया जाता है, 6 days ऑन एंड 1 day ऑफ विच विल बी रेस्ट डे। आज हम हमारे चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को टारगेट करेंगे। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो प्लीज उसे पहले जाके चेकआउट कीजिए। उस वीडियो में मैंने आपके साथ मेरा पूरा लेग डे रूटीन शेयर किया है। आज का वर्कआउट शुरू करने से पहले अगर आप एक नए व्यूअर हो तो सबसे पहले जाके वो सब्सक्राइब बटन दबाइए, और अगर आपको मुझे अपनी जर्नी पे सपोर्ट करना है डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के हर पोस्ट के कमेंट सेक्शन में मैं एक छोटा सा Q&A करता हूँ सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड। अब डिस्क्लेमर, मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोफेशनल नहीं हूँ। ये मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हर बिगिनर या एडवांस नेचुरल लिफ्टर के बेसिक रिक्वायरमेंट्स को दिमाग में रखते हुए डिजाइन किया है, जैसे हर मसल ग्रुप को हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्रेन करना और प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाना व्हेनेवर पॉसिबल। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। किसी भी वर्कआउट को शुरू करने से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। पुश डेज पे मैं मेनली अपने रिस्ट और शोल्डर्स को बहुत अच्छे से वार्म अप करता हूँ। किसी भी टाइप की पुशिंग मूवमेंट परफॉर्म करते वक्त हमारे रिस्ट पर काफी ज्यादा प्रेशर आता है। रिस्ट वार्म अप होने के बाद मैं डायनामिक स्ट्रेचिंग करता हूँ। कुछ मिनटों के लिए बेसिक शोल्डर रोटेशंस और साइडवेज आर्म स्विंग्स करने के बाद आई फील नाइस एंड लूज, और फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज पे जो मेरे रोटेटर कफ्स को रेडी कराते हैं। शोल्डर्स एक ऐसा मसल ग्रुप है जो बहुत आसानी से इंजर हो सकता है, इसीलिए इट्स बेटर टू वार्म अप वेल देन बी सॉरी। नेक्स्ट, लैट पुल डाउन्स। बेंच प्रेस करते वक्त हमारे लैट्स काफी ज्यादा यूज होते हैं। हमारे लैट्स हमें एक स्टेबल और स्टर्डी बेस देते हैं सो दैट वी कैन प्रेस वेल। आजकल मैं अपना पुश वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले केबल फ्लाइज का एक छोटा सेट करता हूँ, जस्ट सो दैट मैं अपने चेस्ट को थोड़ा प्री एग्जॉस्ट कर सकूँ। आई नो कि बहुत सारे लोगों को चेस्ट प्रेसेस करते वक्त शोल्डर्स पे अननेसेसरी प्रेशर आता है, एंड दैट कुड बी बिकॉज आप अपने चेस्ट को सही तरीके से एक्टिवेट नहीं कर पा रहे। सो किसी भी तरह का प्रेस करने के पहले मैं हमेशा केबल फ्लाइज या कोई चेस्ट आइसोलेशन एक्सरसाइज करता हूँ सो दैट आई कैन फील माई चेस्ट मोर वाइल डूइंग द प्रेस। शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। आज की पहली एक्सरसाइज और मेरी ऑल टाइम फेवरेट चेस्ट एक्सरसाइज, इंक्लाइन डंबल प्रेस। सच बताऊं तो मैंने पिछले साल तक बहुत बारबेल प्रेसिंग किया है, मैंने काफी पीआर्स भी हिट किए थे, पर जब से मैंने इंक्लाइन डंबल प्रेसिंग करना स्टार्ट किया है माय चेस्ट ब्लू अप। मैं आजकल बारबेल से ज्यादा डंबल्स यूज करना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज रीजन नंबर 1, डंबल प्रेसिंग करते वक्त आई कैन ट्रेन माई चेस्ट थ्रू इट्स फुल नेचुरल रेंज ऑफ मोशन। ऊपर वाले पॉइंट पर अपने हाथों को और डंबल्स को पास में लेके आने से मुझे अपने पेक्स में एक बेहतर कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। और रीजन नंबर 2, डंबल प्रेसेस बारबेल प्रेसेस के कंपैरिजन में सेफर होते हैं। डंबल प्रेसेस पूरे सेट में मेरे शोल्डर्स को एक बेहतर पोजीशन में रखते हैं, विच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंजरी। बेंच एंगल की बात आई तो मेरा फेवरेट एंगल ये है, आई थिंक इट्स 15 degrees, बेसिकली फ्लैट बेंच से एक स्टॉप ऊपर। 2 वार्म अप सेट्स लगाने के बाद मैं चलता हूँ अपने टॉप सेट्स पर। इंक्लाइन बेंच के मैं 4 सेट्स लगाता हूँ टिल फेलियर। यूजुअली मैं एक ऐसा वेट चुनता हूँ जिसके साथ मैं 8 से 10 रेप्स के बीच में फेल करूँ। आई फाइंड दिस टू बी द स्वीट स्पॉट फॉर हाइपरट्रॉफी। हमेशा की तरह मैं अपने फोन के नोट्स ऐप में मेरे सारे वर्कआउट्स ट्रैक करता हूँ, जिससे प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे आज के 4 सेट्स कुछ इस प्रकार रहे। सो अगले पुश डे पे मैं एटलीस्ट 1 या 2 सेट्स को बीट करने की कोशिश करूंगा। अपने वर्कआउट्स ट्रैक करने का ये सबसे बड़ा फायदा है, आप खुद के लिए गोल सेट कर पाओगे जिससे चीजें चैलेंजिंग हो जाएगी। बट प्लीज हर सेट को फेलियर तक लेके जाओ, सेट को बस ऐसे ही बीच में मत रोक देना। यू शुड रीच अ पॉइंट वेयर यू एक्चुअली गिव अप, दैट इज कॉल्ड ट्रू फेलियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे एंटीरियर या फ्रंट डेल्टॉइड्स को मेनली टारगेट करेगी, एंड इट इज द सीटेड डंबल ओवरहेड प्रेस। एक और बार ऐसा वेट चुनो जिसके साथ आप 3 सेट्स परफॉर्म कर पाओगे बाय फेलिंग इन द 8-12 रेप रेंज। अगर आप पहली बार फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो तो थोड़े से ट्रायल एंड एरर के बाद आपको सूटेबल वेट पता चल जाएगा, जस्ट कीप एक्सपेरिमेंटिंग। डंबल ओवरहेड प्रेस करते वक्त मैं सीट को एकदम सीधा 90 डिग्रीज पे नहीं रखता, इंस्टेड मैं 90 डिग्रीज से थोड़े से कम एंगल पे
रखना प्रेफर करता हूँ। इससे आई कैन मेंटेन अ स्लाइट आर्च इन माय लोअर बैक टू गेट इनटू अ सेफर पोजीशन टू प्रेस फ्रॉम। नोटिस करो कि मैं फुल रेंज ऑफ मोशन लगा रहा हूँ। डंबल्स को पूरी तरह से ऊपर लेने के बाद आई गेट देम ऑल द वे डाउन। आज के पुश डे की दूसरी और आखिरी चेस्ट एक्सरसाइज है केबल फ्लाइज। ये मेरी फेवरेट चेस्ट आइसोलेशन एक्सरसाइज है और ये करने से मुझे एक बहुत बढ़िया पंप भी आता है बिकॉज आई हैव अ रियली गुड माइंड मसल कनेक्शन व्हाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज। इसके मैं 2 से 3 सेट्स लगाता हूँ टिल फेलियर। मैं एक ऐसा वेट चुनता हूँ जिसके साथ मैं एटलीस्ट 40 सेकेंड्स का टाइम अंडर टेंशन क्रॉस कर पाऊँ। और नोटिस करो कि मैंने कहा कि ये आज की दूसरी और आखिरी चेस्ट एक्सरसाइज है। इन माई ओपिनियन चेस्ट के लिए 7 टोटल हार्ड सेट्स टिल फेलियर आर मोर देन एनफ। मैं चेस्ट को 100 एक्सरसाइजेस और 1000 एंगल से ट्रेन करने में विश्वास नहीं करता। हम सब शुरू में छोटी छोटी चीजों को बेकार में ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं। मैं भी करता था एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नीड टू डू फ्लैट इनक्लाइन एंड डिक्लाइन एंड सो ऑन। मैं बस पिछले टाइम से बेहतर ट्रेन करता हूँ। आई गो हार्डर देन लास्ट टाइम। इट्स दैट सिंपल। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लैटरल रेजेस, जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट शोल्डर एक्सरसाइज है। हर इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट सेक्शन में मुझे एटलीस्ट एक सवाल मेरे शोल्डर्स के रिलेटेड आता है और मैं अपने शोल्डर्स की डेवलपमेंट का मैक्सिमम क्रेडिट लैटरल रेजेस को देता हूँ। मुझे स्टार्टिंग से ये बहुत पसंद आते थे। इसके मैं 5 सेट्स लगाता हूँ, नॉट टू हैवी। मैं ऐसा वेट चुनता हूँ जिसके साथ मैं 40 सेकेंड्स क्रॉस कर पाऊँ और ये यूजुअली ऐसा वेट होता है जिसके साथ मैं 10 से 12 की रेप रेंज में फेल करूं। अगर आपको स्टार्टिंग में वेट चूज करने में दिक्कत आ रही है, ट्रस्ट मी, आपके सामने एक स्टॉप वॉच रखो टिल यू गेट द हैबिट ऑफ चूजिंग द राइट वेट। लैटरल रेजेस हमारे साइड डेल्ट्स को टारगेट करते हैं, जो हमारे फिजिक को वो वी टाइप ऑफ लुक देते हैं। ब्रॉड शोल्डर्स प्लस स्मॉल वेस्ट वाला इल्यूजन ऑनेस्टली बहुत इंप्रेसिव दिखता है। आई लव लैटरल रेजेस। मुझे पहले ओवरहेड एक्सटेंशन लगाते वक्त अपने एल्बोज में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस होता था। फिर मैंने सीखा कि इट्स बेटर टू डू स्कल क्रशर्स और ओवरहेड एक्सटेंशन आफ्टर वार्मिंग अप द एल्बोज। इसीलिए आज की पहली ट्राइसेप एक्सरसाइज लगाने के पहले मैं अपने एल्बोज को थोड़े से लाइट ट्राइसेप पुश डाउन करके अच्छे से वार्म अप करता हूँ। ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन के 3 सेट्स लगाता हूँ ऑफ ईच आर्म टिल फेलियर। अब क्योंकि मेरे ट्राइसेप्स में एक इम्बेलेंस है, मैं हमेशा अपने वीकर आर्म के साथ शुरुआत करता हूँ। राइट आर्म से जितने भी रेप्स होते हैं उतने मैं लगाता हूँ टिल फेलियर और फिर लेफ्ट आर्म के साथ उतने ही रेप्स मैच कराता हूँ। ओवरहेड एक्सटेंशन हमारे ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को टारगेट करते हैं, विच इज द बिगर पार्ट ऑफ योर आर्म। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कम टाइम होता है तो मैं अपने ट्राइसेप्स के लिए यूजुअली सिर्फ ये एक्सरसाइज करके अपना वर्कआउट एंड करता हूँ। आई फील लाइक इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। आज की लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है ट्राइसेप पुश डाउन। ये एक्सरसाइज मैं रोप अटैचमेंट का इस्तेमाल करके परफॉर्म करता हूँ क्योंकि आई फील अ बेटर माइंड मसल कनेक्शन विद द रोप एज कम्पेयर टू द बार। इसके मैं 3 सेट्स लगाता हूँ टिल फेलियर, अगेन विद अ मिनिमम ऑफ 40 सेकेंड्स टाइम अंडर टेंशन। ट्राइसेप पुश डाउन एक और ट्राइसेप आइसोलेशन एक्सरसाइज है, जो हमारे ट्राइसेप के लैटरल और मीडियल हेड को टारगेट करता है। ये एक्सरसाइज करते वक्त मैं टेम्पो पे काफी ध्यान देता हूँ। नीचे के पॉइंट पे मैं 1 सेकंड के लिए होल्ड करके अपने ट्राइसेप्स को फ्लेक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ एंड ऊपर आते वक्त आई ब्रिंग द वेट अप स्लोली। वेट को हमेशा कंट्रोल करते हुए ऊपर लेके आओ। कम से कम मोमेंटम का इस्तेमाल करो, माइंड मसल कनेक्शन और बाकी की छोटी चीजों पे ज्यादा ध्यान दो एंड यू विल सी द डिजायर्ड रिजल्ट्स। सो ये था मेरा पुश डे रूटीन। पर वर्कआउट खत्म होने के बाद स्ट्रेच करना ना भूलना। अच्छे से अपने चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करो ताकि आपके ट्रेन मसल्स रिलैक्स कर पाए और ताकि इंजरी के चांसेस कम हो। मैं यूजुअली अपने पुश डे के बाद 3 से 4 स्ट्रेचेस लगाता हूँ एंड आई फील लाइक दैट स्ट्रेचेस आउट माय ट्रेन मसल्स कम्प्लीटली। इसी के साथ इस लेग्स पुश पुल सीरीज का एपिसोड 2 खत्म होता है। ये था मेरा पुश वर्कआउट रूटीन जिससे मैंने अपने चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को ग्रो किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लीव अ लाइक और दिल से पसंद आया तो शेयर इट विद अ फ्रेंड। हम 500,000 के बहुत करीब है। Let's get there as soon as possible. खूब सारा प्यार, मेहनत करते रहना। I will meet you guys very soon in episode number 3. Stay safe, take care and have an amazing day.